नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन लक्ष्मी जयंती का पर्व मनाया जाता है। पता है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जयंती के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से धन एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में लक्ष्मी जयंती कब है, 24 या 25 मार्च को शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या है और करना न भूले तीन काम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लक्ष्मी जयंती के दिन माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तु कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही पूजा करते समय लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग न करें। लक्ष्मी जयंती के दिन उल्लू पर सवार माँ लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। कमल के फूल पर विराजित माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना गया है। लक्ष्मी जयंती के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। लकड़ी की एक साफ चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना करें। उसके पश्चात माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। माँ लक्ष्मी को गंध, पुष्प, धूप, अक्षत, सिंदूर, चंदन, कमल का फूल, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। भोग में माँ लक्ष्मी को खीर और पंचफल अर्पित करें। इसके पश्चात चौमुखी दीपक जलाएं, लक्ष्मी स्रोत का पाठ करें। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी की आरती करें। साल 2024 में लक्ष्मी जयंती 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 24 मार्च की सुबह 9:54 पर और समाप्ति होगी 25 मार्च की दोपहर 12:29 पर। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।